जेके 24 से जुड़ चुके हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय की बड़ी खबर जम्मू के अखनूर से सामने आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि दो बसें आपस में टकराई हैं, ये साफ तौर पर स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। बस पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जिसके नतीजे में आपको बता दें कि 18 से 20 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अखनूर जोड़िया सड़क पर ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है, जहां पर दो बसेज आपस में टकराती है, जिसके नतीजे में 20 से 18 लोग इस समय जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को जो है वो जम्मू GMC रेफर किया गया है, जो कि क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे हैं। इस स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से ये भीषण सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखिएगा। हालांकि किस प्रकार से ये सड़क हादसा पेश आया है, फिलहाल इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी सामने नहीं है आप, लेकिन देखिए कि इस प्रकार से ये भीषण सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें कि 5 लोगों को जो है वो जम्मू GMC अस्पताल भर्ती किया गया है, शिफ्ट किया गया है, और 18 लोगों को बताया जा रहा है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया है। ये स्क्रीन पर आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें कि अखनूर जोड़िया सड़क पर ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। एक और बार मैं आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप नंबर ये देखिए, JK02CG5666 ये नंबर है गाड़ी का, जो कि दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं। ये तस्वीर आप देखिए, दो गाड़ियां जो है वो आपस में टकराती हैं, जिसके नतीजे में 20 से 18 लोग जो हैं वो इस समय घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ी के हालात क्या कुछ हैं, ये साफ तौर पर आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर अखनूर जोड़िया सड़क पर सड़क हादसा जो है वो पेश आया है, जिसके नतीजे में 18 से 20 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए 18 लोगों को आपको बता दें कि उपचार के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है अखनूर भेजा गया है, और साथ ही साथ 5 लोगों को जम्मू GMC रेफर किया गया है। किस प्रकार से ये भीषण सड़क हादसा, आप देखिए किस प्रकार से भीषण सड़क हादसा पेश आया है। गाड़ी के, दोनों गाड़ियों के जो है वो पूरी तरीके से चिथड़े उड़ चुके हैं, ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, जिसके चलते ये सड़क हादसा पेश आया है। क्या कुछ कारण रहा है, फिलहाल इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है। सड़क हादसा किस प्रकार से पेश आया है, फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से ये सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ड्राइवर जो है, दो ड्राइवर इसमें जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिन्हें जम्मू GMC जो है वो रेफर किया गया है। ये देखिए आप किस प्रकार से ये सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, गाड़ी के पूरी तरीके से जो है वो छितरे उड़ चुके हैं। हालांकि क्या कुछ कारण रहा है, किस प्रकार से ये सड़क हादसा पेश आया है, क्या कुछ इसका कारण है, फिलहाल इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन दो बसेज आपस में टकराती है। अखनूर जोड़िया रोड पर ये सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर दो बसेज आपस में टकराती हैं, और जिसके नतीजे में 20 से 18 लोग जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ वो जानकारी सामने आती है, वो भी आपसे शेयर जरूर करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फिलहाल स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, भीषण सड़क हादसा ये देखने को मिला है। अखनूर जोड़िया सड़क पर ये सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला। आप देखिए कि इस प्रकार से ये सड़क हादसा जो है वो आया, हालांकि कारण क्या कुछ है, फिलहाल इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन दो ड्राइवर इसमें जो है वो क्रिटिकली, यानी कि दो बस के ड्राइवर क्रिटिकली इंजर्ड जो है वो बताए जा रहे हैं, जिन्हें जम्मू GMC जो है वो रेफर किया गया है। ये स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए, एक और बार मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए गाड़ियों के पूरी, दोनों गाड़ियों के जो है वो पूरी तरीके से चिथड़े उड़ चुके हैं। आप देखिए किस प्रकार से ये सड़क हादसा पेश आया है, गाड़ी पूरी तरीके से, दोनों गाड़ियां पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जो इसमें लोग सवार थे वो घायल हैं, और 5 गंभीर रूप से इस समय घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जम्मू GMC रेफर किया गया है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए, कारण क्या कुछ है, फिलहाल इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी सामने नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है वो भी आपसे जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बन जाए JK24 के साथ शिल्पा शर्मा के साथ, नमस्कार।